धार जिले के पीतमपुर में ब्रिजस्टोन कंपनी के टायरों से भरा लाखों का ट्रक चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 35 लाख के 702 टायर भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि पीतमपुर की ब्रिजस्टोन कंपनी से टायर से भरा ट्रक पुणे के लिए निकला था, जो कि बीच रास्ते में गायब हो गया। तभी से पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इसके तार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बदमाश जिशान खान से जुड़े हैं, जो कि फिलहाल मुंबई में है। पुलिस ने मुंबई के भिवड़ी जाकर जिशान खान को गिरफ्तार किया और उसे पीतमपुर लाया गया, जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। देखिए, आज पुलिस सभागृह धार के पुलिस सभागृह में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें थाना बगदून पीतमपुर का एक मामला है, उसका खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र और टीआई बगदून तारेश सोनी और हमारी जो टीम है, जिसमें एएसआई शैलेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अभिषेक, करण, जितेंद्र, प्रशांत, ये सभी लोग इस टीम में लगे रहे। इस प्रकरण ये रहा कि इसमें 26 सात को एक कंप्लेन हुई थी कि एक ब्रिजस्टोन के टायर से करीब 1016 टायर से भरा हुआ कंटेनर पुणे महाराष्ट्र के लिए रवाना हुआ था और वो रास्ते से गायब हो गया था और जो ड्राइवर है उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था।